नमस्कार दोस्तों, टीक अर्चना चैनल में आपका स्वागत है। मैं अर्चना, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि पिक्सल ऐप से फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके उसे पीएनजी फोटो कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दो तरह के फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बताऊंगी। पहला, जिस फोटो का बैकग्राउंड एक ही कलर का हो, और दूसरा, जिसमें फोटो का बैकग्राउंड अलग अलग कलर का हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है, और ओपन करके इसे डिलीट कर लेना है जो लिखा हुआ है। और डिलीट करने के बाद यहाँ पर तीसरे ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको एक इम्पोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से भी आप फोटो को ले सकते हैं, या फिर इस प्लस वाले आइकन पर टैप करके फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन जो है, इससे फोटो आप ले सकते हैं। तो अभी मैं वैसा फ़ोटो ले रही हूँ जिसका कि बैकग्राउंड एक या दो कलर का हो, और उसके बाद फिर राइट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। थोड़ा सा बड़ा कर ले रही हूँ, और फिर इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो इसके लिए इधर आप स्लाइड करेंगे इस बीच वाले ऑप्शन पर टैप करके, तो इसमें इरेजर इरेज कलर का एक ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको टैप कर लेना है। और टैप करके, ये अभी ऑफ है तो इसे ऑन कर लेना है। और ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कलर का, तो इस पर टैप करना है। और टैप करके इसे कलर पर ले जा करके और इस राइट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो ऊपर का तो देखिए रिमूव हो चुका है, अभी नीचे का बचा हुआ है। तो इसके बाद देखिए आपको ध्यान देना है, फिर से इस कलर वाले ऑप्शन पर टैप नहीं करना है, इस प्लस वाले आइकन पर पहले टैप कर लेना है। तो यहाँ पर पहले वन था, अब टू हो चुका है। अब इस पर कलर वाले आइकन पर टैप करना है, और टैप करके इसे बैकग्राउंड पर फिर से ले जाना है, और फिर राइट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अभी फिर बचा हुआ है इतना सा, तो फिर इस प्लस वाले आइकन पर टैप करना है। यहाँ पर थ्री हो गया, अब फिर इस कलर वाले आइकन पर टैप करना है, और फिर इसे बैकग्राउंड पर ले, जहाँ से कलर को रिमूव करना है वहाँ पर ले जाना है, और फिर राइट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो फिर से इस प्लस वाले आइकन पर टैप करना है, और इसे फिर वहाँ पर ले जाना है, और फिर राइट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जब तक ये पूरी तरह से ये बैकग्राउंड रिमूव ना हो जाए, तब तक ऐसे ही करना है, और राइट वाले फिर ऑप्शन पर टैप करना है। देखिए लगभग पूरी तरह से ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, और उसके बाद इसे थोड़ा सा कम ज़्यादा करके अच्छे से देख लेना है। देखिए अब पूरी तरह से इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, अब इस राइट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। अब इस बैकग्राउंड का कलर आप चेंज करेंगे तो आपको अच्छे से ये दिख जाएगा कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है अच्छा से या नहीं। देखिए पूरा अच्छा से इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो अब मैं इस फ़ोटो को डिलीट कर दे रही हूँ, और उसके बाद फिर वैसे फ़ोटो को मैं अब ले रही हूँ जिसका कि बैकग्राउंड अलग अलग कलर का हो। तो देखिए इस फ़ोटो का बैकग्राउंड अलग अलग कलर का है, तो थोड़ा सा बड़ा कर दे रही हूँ मैं। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो ऐसे फ़ोटो का बैकग्राउंड जब रिमूव करना है तो इसके लिए बीच वाले ऑप्शन पर टैप करना है, और टैप करके इस इरेज कलर से आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो ये अच्छे से रिमूव नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पर इरेजर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप करना है, और टैप करके देखिए यहाँ से ये कम या ज़्यादा होता है। तो इसे अभी तो पूरा फुल करके और इसे आप मिटा सकते हैं, तो अभी मैं ज़्यादा करके पूरा अच्छे से मिटा दे रही हूँ जितना मिटाना है। अब इसे पतला कर लेना है, पतला करके, और नीचे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसे आप ऐसे करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, ताकि आप नीचे से इसे अच्छे से घुमा पाएंगे। अब इसे आराम से थोड़ा ध्यान दे करके इसे अच्छे से साइड से मिटा देना है। तो मैं जल्दी जल्दी इसे मिटा दे रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
वैसे तो पिक्सल ऐप से फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो आप अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं जिससे कि एक ही क्लिक में फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, तो ऐसा वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, ये पूरा फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करने में बीच बीच में थोड़ा सा अगर कहीं गलत हो जा रहा है, तो यहाँ से आप अंडो के यहाँ पर जो चिन्ह है, यहाँ से आप बैक कर सकते हैं। एक स्टेप दो स्टेप ऐसे करके बैक कर सकते हैं। उसके बाद फिर रिमूव करने के बाद ये राइट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो देखिए, ये पूरा बैकग्राउंड फोटो का रिमूव अच्छा से हो चुका है। तो अगर आपको इस वीडियो के बाद भी बैकग्राउंड रिमूव करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।